జీవో బ్రజ్భూష్. హాయ్. హాయ్. तुम ब्रजभूषण की बीवी हो? हाँ, सॉरी, कौन ब्रजभूषण? ये B402 नहीं है? नहीं, ये A402 है. I'm really very sorry. Actually, मैं B402. It's okay. You wanna come in or are you in rush? No, I can come. I'll go later. Come. बहनचोद. Sorry for this language, हाँ. बट जब भी आप अपना पहला प्यार देखते हो, वो भी ब्रेकअप के 5 साल बाद, तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता है, इतना ही शॉकिंग. 5 साल में इतना हॉट हो गया है. बदोही की गलियों में जब ये अपने सेकेंड हैंड बाइक पे मुझे घुमाता था ना, पता है लोग क्या कहते थे? आदमी की शक्ल चाहे कैसे भी हो, किस्मत अच्छी होनी चाहिए. नहीं, पर जब आदमी की किस्मत गधे के से लिखी हो तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं. बाइक भेज दी थी मैंने अपनी. सरप्राइज हॉलिडे प्लान किया था कि बर्थडे वीक सेलिब्रेट करेंगे, मनाली जाएंगे, एंजॉय करेंगे. पर उसी बीच इसने मेरे पिछवाड़े पे लात मार के शादी के लिए हाँ. यार, हद तो तब हो गई जब इसने अपनी बाइक भी बेच दी. अब तुम बताओ, मैं अपने पापा से क्या कहती कि नीच आदित्य, जॉबलेस, एमलेस, एंड नाउ बाइकलेस. अरे प्यार से आप डिनर तो नहीं खरीद सकते ना, इसलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ बोल दी. मेक यूरसेल्फ कंफर्टेबल. हाँ. यू वांट सम कॉफी? ओके. ओके. Your coffee. Nice place. Thanks. By the way, interior maine kiya hai. So, 5 saal mein kafi kuch change ho gaya. Uncle aunty kaise hai? Sab badhiya ekdam. Bhaiya ki shaadi ho gayi. Oh. Nice coffee. Thanks. So, how's your life? I mean, husband and all. Life is great. अभी 3 दिन पहले हम लोग foreign trip से वापस आए. And Maddie is such a great human being. Maddie, seriously? सारा बदोही उसके नाम का मजाक उड़ाता था. Madhusudan, Madhusudan, Madhusudan. By the way, Madhusudan मेरे दादाजी का भी नाम है. And great human being. भाई, जब शक्ल अच्छी ना हो ना, तो अच्छे नेचर से कॉम्पनसेट करना पड़ता है. मुझे पता है, I've been there. और ये नेपाल को कौन फॉरेन ट्रिप बोलता है यार? तुम्हारी शादी होगी? नहीं नहीं, अभी नहीं. गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड्स तो होती रहती है. गर्लफ्रेंड्स ये ना, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए बोला है. यार, थोड़ा गुड लुकिंग क्या हो गया? अपने आप को बहुत बड़ा प्लेबॉय समझ रहा है. ये भूल क्या होगा, जब इसके पास कोई नहीं था ना, तब मैं थी इसके साथ. थैंक यू. क्यों? बिकॉज़ जब मेरे साथ लाइफ में कोई नहीं था ना, तब तुम मेरे साथ थी. और तुम तो तब भी मेरे साथ थे जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी. अब दिल की बात तो बोलनी थी, तभी तो आया था मैं रॉन्ग एड्रेस का बहाना करके. काफी दिनों से हिम्मत जुटा रहा था मैं, पर आज जो उसकी आंखों में अपने लिए देखा, वो अनएक्सपेक्टेड था. पर मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो जरूर आएगा जब उसे पता चलेगा कि मैडी और मैं यहां शिफ्ट हुए. आफ्टर ऑल, मैंने ही मैडी को बोला था यहां शिफ्ट होने के लिए.
I think I should leave now. देखो मैं What? Yeah, don't look at me like this. Even I wasn't expecting कि ऐसा कुछ हो जाएगा. You know, sometimes आप control नहीं कर पाते हो. और वैसे भी लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है कि stable लड़का ढूंढो, life में settled हो जाओ. अब मधुसूदन से ज़्यादा stable लड़का मुझे life में मिला ही नहीं. पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना. प्यार भी तो चाहिए.